brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। हमारे यहाँ चुनाव हुआ और हमारे देश ने अपनी पसंद स्पष्ट तौर पर बता दी। जो बाइडेन के पक्ष में पड़ा, प्रत्येक मत ये बयान है कि स्वास्थ्य बीमा अधिकार है न कि विशेषाधिकार, और हमने अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक मतों के साथ स्पष्ट जीत दर्ज की है। डेमोक्रेटिक पार्टी की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ये बयान तब आया है जब रिपब्लिकन पार्टी ओबामा के कार्यकाल में ओबामा केयर के नाम से शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा नीति को कोर्ट से रद्द कराने की पुरजोर कोशिश में लगी है। कमला हैरिस ने अपने ताजा ट्वीट के जरिए एक तीर से दो निशाना साधा। एक तरफ उन्होंने ट्रंप को उनकी हार याद दिलाई है, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हार के बावजूद ट्रंप सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि ट्रंप चुनावी नतीजों को लेकर कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हम जीतेंगे, हम बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे अगले हफ्ते से आने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका फिर से महान बनेगा। ट्रंप और उनके समर्थकों के अड़ियल रुख की वजह से बाइडेन को सत्ता सौंपे जाने की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है, जिसे अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। ट्रंप चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि वो इतनी आसानी से राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले, और उनकी अदालत जाने की तैयारी इसी का नतीजा है। उधर टीम बाइडेन भी सत्ता की बागडोर हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है। फिलहाल उम्मीद ही करनी चाहिए कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद से जारी सत्ता की रस्साकशी अदालत के फैसले के बाद थमेगी और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया का इंतजार खत्म होगा।